कमुची महानदी जलस्तर मुंडुली ब्यारेज दे 4,74,000 क्यूसेक जल प्रवाहित हो तेरे 5,00,000 क्यूसेक पा महानदी में आसला ना 4,85,000 क्यूसेक सीमित रहा जो पा हीराकूद जलभंडार छड़ा जाता से पा मुंडुली पाखे पहुंचा बेलू 4,74,000 क्यूसेक जल प्रवाहित होता मुंडुली में तेरे 5,00,000 क्यूसेक पा महानदी में जितेबले हीराकूद जलभंडार 20 गेट दे जल निष्कासन से पा मुंडुली पाखे पहुंचला बेलू 4,75,000 क्यूसेक जल रे सीमित रही जाता 5,00,000 क्यूसेक पा मुंडुली निकट में प्रवाहित हो पूर्वानुमान कारण वर्षा राज्य में कम रही तेणु नदी सुखिला पड़ता तेणु यह समय जदि आम देखा परिस्थित जो बन्या जल हीराकूद जलभंडार छड़ा जाता 4,74,000 ही सीमित रही जाता मुंडुली निकट में 5,00,000 क्यूसेक पा महानदी में प्रवाहित हो पारा ना कारण नदी सुखिला पड़ता नदी में जो अंचल पा अधिक रहा कथा से अंचल में कम थिला ए संपर्क अधिक सूचना पाई आम प्रतिनिधि नवेश मध्य रही नवेश जो कथा कहुला जितेबले हीराकूद्रु चलित बर्षर प्रथम बन्या जल छड़ा मुंडुली निकट में 5,00,000 क्यूसेक जल प्रवाहित हो किंतु से भली हेला ना यार कारण कौन देखुं कारण प्राथमिक भाव में अनुमान कर चलित बर्ष जो वर्षा कम होता नदी में जी पा रहा कथा ता तुलन में कम पा था तेणु कम पा हेतु जी बन्या पा छड़ा ता मुंडुली निकट में टी कम प्रवाहित तो है बिल्कुल सही कथा ही बर्तमान कहुची कारण जदि आपणकर गत काली जो डाटा था जहाँ को आधार कर जल संपद विभाग कहता जे 5,00,000 ऊर्ध क्यूसेक पा आसो तार डाटार यही किसी डिटेलटा जे गत काली सका 6टा सुधा 5,02,000 क्यूसेक जल खैरमाल देकी पास करथिला तेणु खैरमालु बरमूल एवं बरमूल मुंडुली पहुँचे पाखापाखि 12 रु 16 घंटा समय लगी था तेणु अनुमान कर खैरमाल पा बरमूल में पहुँचे और से 5,02,000 क्यूसेक जल मेन्टेन रही मुंडुली आसो कितु जेहेतु आप कथ कहते नदी खाली थी और नदी सैड्रे अनेक छोट छोट पुष्करणी अच्छी खाल खमाज सेगुड़िक पूरीगला फल से 5,00,000 क्यूसेक पा आसलानी और ता 4,85,000 क्यूसेक सीमित रहा बर्तमान सका 6टा अपडेट हो 4,64,000 क्यूसेक जल निष्कासित होदि यो हाएस्ट कह पा आज जा गत काली रातिर आरंभ कर 4,85,000 क्यूसेक पा गत काली राति 12टा आज भोर 5टा सका 5टा पर्यटन कंटिन्यू रहा एवं धीरे धीरे करके फल करवा लगी जदि आम टे उपर मुंड डाटा देखे ना उपर मुंड डाटा मुताबक बर्तमान हीराकूद्रे खोल जा 20 गेट मध्य 2 गेट को बंद कर 18 गेट दे जल निष्कासन जारी रही 18 गेट दे कि 3,09,000 क्यूसेक पा प्रवाहित होती हीराकूद तुला रही खैरमाल 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 4,36,000 क्यूसेक जल निष्कासित होती खैरमाल तले रही बरमूल बरमूल में 4,20,000 क्यूसेक जल निष्कासित होती है मुंडुली तो कथा कहले 4,85,000 क्यूसेक जल बर्तमान निष्कासित होता 6टा 5टा बेलू और 4,74,000 क्यूसेक जल निष्कासित होती जदि आपड़ स्थित देखिए आगामी कहींपर 2 रु 2.5 दिन पर्यंत महानदी में 3,00,000 क्यूसेक पाखापाखि जल रण हीराकूद बर्तमान 3,09,000 क्यूसेक जल हीराकूद निष्कासित होती 18 गेट दे निष्कासित होती जेपर्यंत हीराकूद्रु जल निष्कासन न कम से पर्यंत महानदी में जल कम बिल्कुल भी आशंका ना कारण हीराकूद्र जलस्तर बढ़ुची अवश्य 18 गेट मध्य 2 गेट को बंद कर 18 गेट दे जल निष्कासन जारी रही किंतु आपन जानते जमी पाणीपा विभाग पूर्वानुमान कर सारी आगामी गोटे सप्ताह धरी लगाण वर्षा रही विशेषकर महानदी कैचमेंट एरिया वर्षा हे तेणु संबलपुर एवं पश्चिम ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षार पूर्वानुमान रही यदि यही प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हुए तेबे महानदी जलस्तर वृद्धि एवं जदि यही 3,00,000 क्यूसेक जल महानदी मेंटेन हो रुए एवं छत्तीसगढ़ सहित संबलपुर और महानदी कैचमेंट एरिया जदि वर्षा होती तेज जलस्तर वृद्धि पाव अन्यथा धीरे धीरे कर रिड्यूस हे तेणु यार आउ जे महानदी जलस्तर बढ़ से आशंका नहीं अनलेस जदि वर्षा नवेश आम पूर्व देखीचे जे पाखापाखि मुंडुली निकट में 10 रु 12 लक्ष क्यूसेक पर्यंत जल प्रवाहित होता है किंतु मात्र 4,75,000 4,85,000 क्यूसेक जल जितेबले प्रवाहित है मुंडुली निकट में तलमुंड यार प्रभाव कौन पड़ी सब त
तळमुंडे विशेष किसी प्रभाव पड़ी ना जो कथा आम पूर्व गत काली आलोचना करते विशेष किसी प्रभाव पड़वार ना कारण महानदी जदि आम जलधारण क्षमता तो नुहे जदि आम तर क्षमता कथा कह जल निष्कासन क्षमता कथा कह तेज 12 लाख क्यूसेक जल को सहजे महानदी निष्कासित करपार जदि बंधवाड़ ठीक अच्छे बंधवाड़े कौन दुर्बल स्थान ना कौन स्थान में घड़िया पड़वा ना जी 12 लाख क्यूसेक उपरक जाऊँ जल प्रवाह तेब जैक अनुमान करोटे मध्यम बड़धरण बनिया हो पाए कारण आम देखी 2008 कथा कहतु 2011 कथा कहतु 2008 16 लाख क्यूसेक जल निष्कासित होता 14 लाख क्यूसेक जल 2011-12 निष्कासित होता किंतु तापर ठार 11 मसीहा ठार 2024 पर्यंत 23 पर्यंत एत बड़ कहत अधिका परिमाण में पा आसी कि हाँ 2 वर्ष तले 22 मसीहार जदि कह तेज 10 लाख पखापाखि छुई था बन्या जल मुंडुली कि विशेष किसी समस्या सृष्टि कला ना बड़ समस्या से सृष्टि हुए तपन जिते बड़े कि लगाण वर्षार महानदीर एवं यार शाखा नदी गुड़िकर बंधवाड़ा सब भिजिकी थाए ओदा हो थाए दुर्बल किसी किसी स्थान थाएं लगाण गोटे पर गोटे जदि बहुत बड़धरण वर्षा हुए और सीरीज आकार जो महानदी में पा आसे और हीराकुदू गेट संख्या जिते 40 रु ऊपर को खोले से महानदी में बन्या आशंका कराए कि स्थित बर्तमान देखा मिलना कारण हीराकुदू गोटे पर गोटे गेट बंद होगा लगुच कि हीराकुद गेट्र ऑपरेशन ऊपर निर्भर करुच्ची जे महानदीर जलस्तर अभी केते वृद्धि पाइबा एवं हीराकुद गेट्र ऑपरेशन निर्भर करुच्ची रेनफॉल केते होची महानदीर कैचमेंट एरिया रे एवं जहाँकी 1 रु 6 तारीख पर्यंत हेबो बोली कि जहाँ पानीपा विभाग पूर्वानुमान करुच्ची विशेष करी जो कैचमेंट एरिया गुड़िक रही महानदीर संबलपुर कहतु बरगढ़ कहतु झारखंड और छत्तीसगढ़ कहतु एटी मध्य वर्षा होवार अछि ताटू आउ गोटे चिंताजनक कथा रहुच्ची जे जेहेतु हाथी और तेल नदी जहाँकी खैरमाळरु हीराकुद मध्यरे मिसिजंति महानदीर तार जदि से कैचमेंट एरिया वर्षा होर्थात बौद्ध एवं मलकानगिरी कलाहांडी आखपाख अंचल प्रबल अति प्रबल वर्षा पूर्वानुमान से अच्छी से पा महानदी में मिजिव तेणु जलस्तर वृद्धि पाव अनेक किसी परिसंख्यन रही अनेक किसी पूर्वानुमान रही कि सब पूर्वानुमान निर्भर करुच्ची रेनफल केते वर्षार परिमाण केते जदि वर्षार परिमाण बढ़े महानदी कैचमेंट में पा बढ़े तेज हीराकुद कर्तृपक्ष गोटे पर गोटे गेट खेल बाध्य हे और जलस्तर महानदी धीरे धीरे बढ़ा किंतु स्थिति आपात सेमती है भाई लगुनि कि हाँ नजर रखि था कारण आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र पक्ष जहाँ पूर्वानुमान कर आउ एक घूर्णीबलय बंगोपसगर में सृष्टि हो यार प्रभाव में आगामी अगस्ट 3 तारीख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही है और 21 जिला को येलो आलर्ट जारी करते वर्षा होशेषकर महानदी कैचमेंट एरिया तापर आप नजर रखि था बहुत बहुत धन्यवाद नवेश आप समस्त सूचना समय एक छोटिया ब्रेक रो ब्रेक परे देखिबा कमिंग अप रो प्रायोजक उत्कल हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी कॉल 9090111144 सुंदरगढ़ रे बॉस को फाइन लखे